दोस्तों बस एक बार ये अपने खेतों में नीली और पीली पट्टियां लगा दीजिए, एकदम जबरदस्त रिजल्ट आपको मिलेंगे और सीधे सीधे एक चौथाई लागत भी कम हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये नीली पीली पट्टियां आपके खेतों में जरूर 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 से जरूर होना चाहिए, आपकी लागत सीधे सीधे एक चौथाई कम हो जाएगी। कैसे कम होगी लागत? ये नीली पीली पट्टियों का काम क्या है, ये क्या काम करती है और इनको बोते क्या है, सब कुछ जानेंगे दोस्तों विस्तार से इस वीडियो में। बस वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार। दोस्तों सबसे पहले तो आप स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाला हर खेती किसानी बागवानी का लेटेस्ट वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले। अब दोस्तों आप चाहे केमिकल खेती कर रहे हो या फिर ऑर्गेनिक खेती कर रहे हो, आपके लिए ये नीली पीली पट्टियां बहुत ही काम की है। जो हमारे किसान भाई ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं उनके लिए तो 100% इसे इस्तेमाल में लेना चाहिए, और जो केमिकल खेती कर रहे हैं वो भी एक बार इसको लगाकर जरूर देखें, उनको खुद समझ में आ जाएगा कि उनकी लागत कितनी कम हो जाती है। हमारे अंदाज से तो दोस्तों सीधे सीधे आपकी लागत 4 गुना कम हो जाती है। कैसे? तो दोस्तों ये आज जो आप देख रहे हैं वीडियो में, ये हमारा चुकंदर का खेत है जिसकी वीडियो हमने ऑलरेडी डाल दी है, चुकंदर की खेती कैसे करना है और हमने इसकी बुआई कैसे की है। इसी में हमने मात्र ये 4 नीली पीली पट्टियां लगाई है, और इन नीली पीली पट्टियों को दोस्तों हम बोलते हैं सेप्टा। जी हाँ, क्या बोलते हैं? सेप्टा। और इन्हीं सेप्टा की मदद से दोस्तों हमारी लागत 4 गुना कम हो जाती है। कैसे? तो दोस्तों आप देखिए, सबसे पहले तो ये पीली पट्टी, कितने सारे मच्छर चिपक गए हैं इस पर। कम से कम 6-7 तरह के मच्छर इस पर चिपक गए हैं और कुछ सोना माखी मच्छर भी लग गए हैं। अब इसी के साथ ही हमारे खेतों में यदि इल्ली लगती है तो वो भी इससे चिपक जाएगी। और ये नीली पट्टी जो है, जो पीली पट्टी पर मच्छर मक्खी इल्ली नहीं चिपकेंगे, वो इस नीली पट्टी पर चिपकेंगे। दोनों पर कुछ ऐसा लिक्विड चिपकाया हुआ है जिसकी सहायता से इस पर हमारे मच्छर मक्खी इल्ली सारे जो भी हैं खेत के अंदर मौजूद हैं फसल पर, वह सब इस पर चिपक जाएंगे, और चिपक कर डायरेक्ट मरेंगे ही और फिर छूटेंगे नहीं, क्योंकि एक प्रकार से फेविक्विक की तरह इस पर गोंद लगा हुआ है जो कि बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ है किसानों के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले ये क्या क्या काम करेगा, कौन कौन से मच्छर इस पर चिपकेंगे और किस तरीके से ये काम करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ये पीले सेप्टा की। जी हाँ, अब नीली और पीली पट्टियां नहीं बोले आप, अब इन्हें बोले आप सेप्टा। क्या बोलेंगे? सेप्टा। और इन्हीं सेप्टा में पीले वाले की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है हर एकड़ में, कितना है? हर एकड़ में निरीक्षण करने के लिए प्रयोग करें और नियंत्रण करने के लिए भी प्रयोग करें। निरीक्षण यदि आप कर रहे हैं तो 2 वेरिक्स मैजिक स्टिकर पीली सीट आपको लगानी है, और यदि आप नियंत्रण करने के लिए लगा रहे हैं तो 10 वेरिक्स मैजिक स्टिकर पीली सीट आपको लगानी है। मतलब कि 1 एकड़ में 10 पीली सीट आपको लगानी है और 10 ही नीली सीट आपको लगानी है, और ये आता कितने का है? मात्र 10 रुपए का। जी हाँ, 1 पट्टी 10 रुपए की मिलेगी आपको। यदि आप दोस्तों 10 नीली और 10 पीली पट्टी 1 एकड़ में लगा देते हैं, कुल 20 सेप्टा लगा देते हैं, तो 200 रुपए में आपका काम बन जाएगा। और यकीन मानिए, फिर फसल में आपको ना तो मच्छर की दवा डालनी है, ना ही मक्की की डालनी है, ना ही इल्ली की दवा डालनी है। और ज्यादातर आपने देखा होगा टमाटर मिर्ची करेला, उसमें लीप माइनर ज्यादा आता है, तो लीप माइनर की समस्या भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। तो उपयोग के लिए दोस्तों फसलों की अवस्थाएं कब होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? तो फसल बढ़ने की अवस्था में आपको ये सेप्टा लगा देनी चाहिए, फूल आने की अवस्था में भी आपको लगा देना चाहिए, फल बनने की अवस्था में भी आपको लगा देना चाहिए, और तुड़ाई की अवस्था में भी आपको लगा देना चाहिए। अब दोस्तों आपको इसको चेंज कब करना है? चेंज आपको तब करना है जब पूरी तरीके से मच्छर मक्खी से कुछ इस तरीके के आपकी ये सेप्टा भर जाए, फुल हो जाए, फिर आपको लगे कि आप कहीं इस पर चिपकेंगे नहीं, अब जगह नहीं बची, तो फिर इसको आप या तो जला सकते हैं या फिर मिट्टी में कहीं खेत से दूर ले जाकर गाड़ भी सकते हैं, तो वहां पर भी ये नष्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों हमारी फसल में फल फूल आएगा तो ये सारे मच्छर उस फल फूल के रस को चूसेंगे, पौधे के पत्तियों को रस चूसेंगे, तो फल जड़ेगा, फूल भी जड़ेगा, तो उस समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा,
और जो हमारे फल डंके हो जाते हैं, सोना माँ की जो डंक दे देती है उसमें दाग लग जाते हैं, तो वो भी समस्या यहाँ पर खत्म हो जाती है। और दोस्तों, यदि आप सेप्टा के नाम से नहीं जानते हैं तो इसे वेरेक्स मैजिक स्टिकर के नाम से भी जाना जाता है, दोनों तरीके से जाना जाता है, वेरेक्स मैजिक स्टिकर या फिर सेप्टा, और हमारे शुद्ध देसी लैंग्वेज में इसे नीली पीली पट्टियां बोला जाता है। और पीली सीट का विशेष गुण क्या है, तो जल्दी नहीं सूखता है ये, इस पर जो गोंद लगा है वह जल्दी नहीं सूखता है, इसका रंग कभी नहीं उड़ता है और गोंद कभी भी नीचे नहीं टपकता है, ये इसकी अच्छी क्वालिटी है। और दोस्तों, ये जल अवरोधी है, दोनों तरफ गोंद लगा होने के कारण कीटों को यह आकर्षित करने के लिए ज्यादा जगह है और 60 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान बर्दाश्त कर लेता है ये सेप्टा। अब बात करें दोस्तों, वेरेक्स मैजिक स्टिकर पीली सीट का उपयोग सभी फसलों में किया जाता है, तो जैसे कि कौन सी फसलें लगा सकते हैं, खाद्यान्न वाले फसलों में लगा सकते हैं, दलहनी फसलों में लगा सकते हैं, तिलहनी फसलों में लगा सकते हैं, जितने भी फल के पौधे हैं उन पर लगा सकते हैं, पूरी सब्जियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, फूल और औषधीय फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, और उद्यानों और मसालों की फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो नकदी फसलें हैं उन पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतनी सारी सब्जियों में फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको ये नहीं पूछना है कि टमाटर में लगाएं, बैंगन में लगाएं, कद्दू में लगा सकते हैं क्या, या फिर खरबूजे में, करेला, लौकी, जो भी आपके खेतों में फसलें हैं A to Z, XYZ, सब में आप इसका इस्तेमाल करिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बेनिफिट 100% है। अब दोस्तों, बिल्कुल सेम टू सेम यही कंडीशन जो नीले सेप्टा हैं उनकी बात आती है, बिल्कुल सेम प्रोसेस सेम ये रहता है। इसके बाद दोस्तों बात करें कि इस पर कौन कौन से मच्छर मक्खी चिपक जाते हैं और ये किस तरह की कंडीशन पैदा कर देते हैं। तो एक लीप हॉपर रहता है, जो कि आपने देखा होगा, राम जी के घोड़ा जिसे बोलते हैं। दूसरा ब्राउन प्लांट हॉपर रहता है। तीसरा कीड़ा आता है FES। चौथा कीड़ा आता है वैकेज व्हाइट बटरफ्लाई, मतलब तितली। इसके बाद सफेद मक्खी, फिर ककुम्बर वीटल, ये कुछ इस तरीके का कीड़ा रहता है। फिर प्याज में लगने वाली मक्खी, फिर जेसियस, मतलब ये कीड़ा रहता है। इसके बाद आता है डायमंड वैक मोथ, ये कुछ इस तरह का कीड़ा रहता है, ये सारे इस सेप्टा पर चिपक जाते हैं। फिर आती है एक बेसपस, मतलब कि सोना माखी जिसे शुद्ध हिंदी में हम बोलते हैं। इसके बाद स्कैरियस, ये भी मक्खी रहती है। फिर स्टंक वग, ये कीड़ा रहता है जो कि ज्यादातर आपको भिंडी में देखने को मिलेगा। इसके बाद फंगस नेट्स, मतलब जो फंगस पैदा करते हैं उस तरीके के कीड़े भी यहाँ पर चिपकेंगे। फिर फ्रॉग हॉपर, इसके बाद फ्ली विटल्स, और इसके बाद सोरे फ्लाई, और कैपेस्ट, और मिजाइज। मतलब दोस्तों ये कि 18-20 तरह के कीड़े मच्छर मक्खी आपके इस सेप्टा पर चिपकेंगे, जो कि फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो समस्या यहाँ पर आपकी खत्म होगी। और जब दोस्तों कुछ इस तरीके की ये मक्खियां, मच्छर ही, तितलियां ही नष्ट हो जाएंगी, तो फिर फसल में इल्ली लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जो इल्ली बनती है वो कहाँ से बनती है, वो इन्हीं तितलियों, मक्खियों के अपशिष्ट, स्पर्म और अंडों से बनती है, जो कि समस्या यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। इसका रिजल्ट भी आगे बताएंगे, बस आप वीडियो को पूरा देखते रहिए। अब यह समस्या कैसी पैदा कर देते हैं, तो आपने अक्सर कद्दू में इस तरीके के निशान देखे होंगे, ये इन्हीं की निशानी है। फिर आपने चुकंदर या पालक मेथी में इस तरह के निशान देखे होंगे, तो ये भी इन्हीं की समस्या है। फिर इसके बाद टमाटर में कुछ इस तरीके का लग जाता है, गोभी में पूरा पत्ता छलनी हो जाता है, तो वो भी इन्हीं की समस्या है। इसके बाद आती है तरबूज में FES, मतलब तरबूज में ऐसे दाग पड़ जाते हैं, और बीन्स में, मतलब मटर में इल्ली लग जाती है और उसकी पूरी फली चिपक जाती है, सिकुड़ जाती है। तो कुछ इस तरह की समस्याएं ये पैदा होने ही नहीं देते हैं सेप्टा, और ये सारी समस्या पैदा करते हैं ये इतने सारे कीड़े, और इनकी रोकथाम होती है इस सेप्टा से। तो इसके दोस्तों आपने क्या फायदे हैं ये तो देख ही लिया है। अब चलते हैं हमारे खेतों पर जहां पर हमने इस सेप्टा को लगाया है। तो दोस्तों हमने ये चुकंदर में लगा दिया है, आप देख सकते हैं, इसको जब भी आप लगाएं खेत में तो टी के आकार की तरह लगाएं। ये हमने 4 सेप्टा लगाए हैं, पहला ये है, दूसरा बोरा आप देख सकते हैं, तीसरा और चौथा बोरा आप देख सकते हैं, तीसरा वो और चौथा वो।
मतलब कुल इतने जगह में हमने 4 सेप्टा लगाए हैं और कम से कम यहाँ पर 8 सेप्टा जरूर लगना चाहिए थी। फिलहाल में हमें 4 ही मिल पाए तो हमने 4 ही लगा दिए हैं। अब दोस्तों इस पर हमने आज ही लगाए हैं, अब इसका रिजल्ट कितने दिन बाद हमें मिलेगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख सकते हैं पूरा सेप्टा हमारा एकदम क्लियर है, किसी भी जगह पर यहाँ पर कोई भी मच्छर मक्खी नहीं चिपकी हुई है और यही सेम टू सेम कंडीशन उन तीनों सेप्टा की है। अब दोस्तों हम आएंगे खेत में 4 दिन बाद कि क्या रिजल्ट हमें इसका मिलता है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर 8 दिन बाद आए हैं हमारे खेतों में, आप देख सकते हैं रिजल्ट क्या है। इस पर जो सोना माखी हम बोलते हैं वो भी चिपक गई है और कई तरह के मच्छर भी और इस पर चिपक गए हैं। मतलब कि 6-7 तरह के मच्छर इस पर चिपके हमें मिले हैं और मक्खी भी मिली है। आप देख सकते हैं कितना सारा ये सेप्टे पर मच्छर चिपक गए हैं और ये मट्टी धूल नहीं है, सीधे सीधे ये मच्छर हैं। हो सकता है आपको वीडियो में क्लियर दिखाई नहीं दे रहा हो लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं ये कितने सारे मच्छर मक्खी इस पर चिपक गए हैं। तो ये पहले सेप्टा की कंडीशन है जो कि 8 दिन में ये रिजल्ट हमें इसका मिला है। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे सेप्टा की ओर कि उस पर क्या रिजल्ट हमें मिलता है। तो दोस्तों ये दूसरा सेप्टा भी आप देख सकते हैं, इस पर भी काफी अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिला है और इस पर भी कई सारे मच्छर मक्खी चिपक गए हैं। और दोस्तों आप जब भी इन सेप्टा को लगाएं खुले खेत में तो ये टी तरह के आकार बनाकर ही आपको लगानी है। इसका फायदा ये होगा कि जो बड़े मच्छर हैं, मक्खी हैं, इल्ली हैं, वो इस पर चिपकेगी तो जो चिड़िया हैं, पंछी हैं, पकेरू हैं, वो इन डंडियों पर बैठकर उनको खा जाएंगे जिससे कि स्पेस हमें खाली मिलेगा। और इस पर काफी अच्छा रिजल्ट आप देख ही रहे हैं किस तरीके से इस पर कितने सारे मच्छर चिपक गए हैं। और इसका फायदा बहुत अच्छा है कि फसल कुकड़ती नहीं है, इल्ली नहीं लगती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम दोस्तों उन नीले वाले सेप्टा की ओर कि पीले सेप्टा पे तो रिजल्ट काफी अच्छा मिला है, अब देखते हैं नीले सेप्टा पर क्या रिजल्ट मिला है 8 दिन के बाद। तो 8 दिन के बाद दोस्तों इस पर जो रिजल्ट मिला है इतना अच्छा नहीं मिला है, हमें जानकर देखकर खुशी नहीं हुई लेकिन फिर भी रिजल्ट मिला है, कम मिला है। और दोस्तों आप जब इसको लगाएंगे तो भी इस पर रिजल्ट कम मिलेगा क्योंकि जो पीले सेप्टा पर नहीं चिपकते हैं वो इस पर चिपकते हैं। तो 18 तरह के कीड़े मच्छर मक्खी तो उस पीले वाले पर चिपक गए, बाकी के जो बचे हैं वो यहाँ चिपकेंगे। तो अब फिर 2-3 तरह के बचते हैं जो कि यहाँ पर चिपक जाते हैं। तो नीले वाले में कम चिपकते हैं लेकिन चिपके जरूर हैं। अब चलिए बढ़ते हैं 4थे वाले सेप्टा की ओर कि वहां उसका रिजल्ट क्या मिला है। तो दोस्तों इस पर हमें अच्छा रिजल्ट मिला है। वैसे देखा जाए तो जो पहला नीला सेप्टा था उसके अपेक्षा यहाँ पर काफी ज्यादा मच्छर और मक्खी चिपक रहे हैं जो कि मर ही चुके हैं। और इसका वेब साइट देखें हम कि वेब साइट पर क्या है, तो इसका वेब साइट पर दोस्तों काफी अच्छा और शानदार रिजल्ट मिला है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है और इसने काम किया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसको लगाएंगे तो आपको भी काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों इसका रिजल्ट हम चेक करेंगे 4 दिन बाद, और मतलब 12वें दिन का रिजल्ट कि 12वें दिन हमें इसका क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब 12 दिन हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ये सेप्टा मतलब 75% हमारा पूरी तरीके से भर चुका है और काफी अच्छे और शानदार रिजल्ट मिले हैं। अब दोस्तों इसकी अपेक्षा यदि हम दवा डालते तो ये दवा से नष्ट होते, जबकि दवा हमने डाली नहीं है, मात्र इस खेत में 40 रुपए खर्च किए और 40 रुपए में कितना सारा फायदा हो गया है। और इसके वेबसाइट को भी आप देख सकते हैं, वेबसाइट में भी काफी अच्छा रिजल्ट मिला है जो कि बहुत शानदार है। अब दोस्तों यदि आप दवा डालते तो कम से कम आपको 8 से 10 दिन में दवा डालना पड़ता, जबकि 12 दिन में ये रिजल्ट मिला है। और यदि आपके फसल में मच्छर मक्खी कम है या फिर आप इन सेप्टा की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, जैसे कि हमने 4 लगाए हैं, आप 8 या 10 लगा देते तो दोस्तों आपकी पूरी फसल पककर खुद ही जाएगी, कट ही जाएगी, तब भी आपको ये चेंज करना नहीं पड़ेगा क्योंकि तभी ये इतनी भरा पाएंगे। इसके बाद इनको फेंक दीजिए, दूसरी फसल तैयार करेंगे, फिर दूसरा लगा दीजिए, तो ये कुछ इस तरीके से फायदा हो जाता है। इसके बाद 12वें दिन दोस्तों नीले सेप्टा की बात करें तो इसमें भी काफी अच्छा रिजल्ट मिला है, मतलब कि डबल रिजल्ट मिल गया है। जो पहली बार हम 8वें दिन रिजल्ट चेक किया था उसके अपेक्षा डबल इसमें मच्छर मक्खी चिपक गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये सिद्ध हो जाता है कि ये जो सेप्टा है वो वाकई में 100% काम करते हैं। और दोस्तों हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है, हमारा रिजल्ट ये रहा है कि हमारी जो चुकंदर की फसल है दोस्तों आज 32 दिन की हो गई है, मतलब 1 महीना 2 दिन की हो गई है और अभी तक हमने इसमें किसी भी तरह की दवा का स्प्रे नहीं किया है।
और जो भी है वो आपकी आंखों के सामने है, ये सेप्टा ने सब कुछ काम कर दिया है। तो दोस्तों आपसे भी निवेदन है कि आप इन सेप्टा का इस्तेमाल जरूर कीजिए, मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। यदि आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो कुछ डीलर के कॉन्टेक्ट नंबर हम आपको प्लग करा देंगे, जहां से आप उनकी सहायता से मंगवा सकते हैं इन सेप्टा को। मात्र 10 रुपए का सेप्टा है दोस्तों, जो कि बहुत ज्यादा और शानदार रिजल्ट देता है। आशा करते हैं आपको वीडियो में बताई गई जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और वीडियो पसंद भी आ गई होगी। यदि दोस्तों आपको लगता है कि वाकई में ये जानकारी हमारे काम की साबित हुई है, तो इस वीडियो को जल्द से जल्द लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो जरूरतमंद किसान भाई हैं उनकी हेल्प हो सके और उन तक ये जानकारी पहुंच सके। जो किसान भाई ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं उनको तो जरूर लगा लेना चाहिए इनको, और जो केमिकल कर रहे हैं उनको भी ट्राई करना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि दवा की अपेक्षा बहुत सस्ते में 1/4 लागत कम में हमारा काम चल रहा है। अब इसके अलावा आपका कोई मन में सवाल है या फिर कोई डाउट्स है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हमें आपकी सेवा करने का मौका मिल सके। और अभी तक आपने हमारे स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें, और साथ में घंटी के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाला हर लेटेस्ट वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले। चलिए दोस्तों मिलते हैं अब इसी तरह की और भी हेल्पफुल जानकारी लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।